गुदगुदी। नाम सुनते ही शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। किसी किसी व्यक्ति को छूते ही उसे गुदगुदी होने लगती है और किसी किसी को तो कितना भी कुछ कर लो बिल्कुल गुदगुदी नहीं होती। अब तक आप सभी ने इंसानों और जानवरों को गुदगुदी होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ को गुदगुदी होते हुए देखा या सुना है? गुदगुदी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पेड़ों को भी होती है। जी हाँ, आज आपको हम ऐसे अनोखे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे सहलाने पर इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। अगर इसके तने को गुदगुदाया जाए तो पेड़ की टहनियाँ खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेड़ की हंसने की आवाज आए, दरअसल ये पेड़ छूते ही मचलने लगता है जैसे कि कोई इंसान हो। पेड़ की इस हरकत को आप अपनी आंखों से साफ देख सकते हैं। ये पेड़ हमारे ही देश में मौजूद है और ये उत्तराखंड के काला ढूंगी के जंगलों में मौजूद है। ये पेड़ दूसरे पेड़ों से काफी अलग है जिसे सहलाने पर गुदगुदी होती है। आपको बता दें कि काला ढूंगी के जंगल में ऐसे दो पेड़ हैं जिन्हें गुदगुदी होती है। इनमें से एक पेड़ रामनगर के क्यारी जंगल में मौजूद है जो कांपने वाला पेड़ है। बता दें कि पिछले 5 साल से काला ढूंगी के इन दो पेड़ों को कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने पर्यटन से जोड़ा है। पर्यटकों को घने जंगल में कांपने वाले और गुदगुदी वाले ये पेड़ दिखाने के लिए समिति के गाइड जाते हैं। इस पेड़ को हंसने वाला पेड़ भी कहा जाता है। इस पेड़ का वानस्पतिक नाम रेंडिया डुमिटोरम है। ये पेड़ रूबी एसी प्रजाति का है जो करीब 300 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस रहस्यमय पेड़ पर अगर कोई उंगलियां रगड़ता है तो उसे गुदगुदी होने लगती है। ऐसा तब प्रतीत होता है जब हाथ रगड़ने पर पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं। ये पेड़ दिसंबर से लेकर जनवरी तक फल देना शुरू कर देता है। इस गुदगुदी होने वाले पेड़ को मेन फल, मिंदा, राधा और मदन फल जैसे नाम भी दिए गए हैं। अमर उजाला.com